दोस्तों, अगर 2022 में आप 110 सीसी के स्कूटर्स के बारे में बात करोगे तो फिर आपके पास बस पांच ही स्कूटर्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, और इन पांच में से भी जो पहले दो स्कूटर हैं वो होंडा वालों के हैं। एक आपका एक्टिवा 6G हो गया, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है, और दूसरा उनका डियो है। और जो आपके दो और स्कूटर्स हैं वो हीरो वालों के हैं, एक आपका मेस्ट्रो एज हो गया और दूसरा आपका प्लेजर प्लस हो गया। और जो पाँचवा स्कूटर है वो है ये TVS जुपिटर 110। और इन पांचों ही स्कूटर में से मेरे हिसाब से TVS जुपिटर ही सबसे बेस्ट स्कूटर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से ये TVS जुपिटर सबसे बेस्ट स्कूटर क्यों है 110 सीसी के सेगमेंट में, और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये TVS जुपिटर खरीदने से पहले, और क्या क्या नेगेटिव्स मुझे इस स्कूटर में लगते हैं, और क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप इस स्कूटर को खरीद सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं TVS जुपिटर 110 के फर्स्ट इम्प्रेशंस के बारे में, कि जब ये स्कूटर आपकी आंखों के आगे होता है तो ये आपको देखने में कैसा लगता है। तो दोस्तों, लुक्स के मामले में ये स्कूटर आपको कुछ ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ स्पोर्टी डिज़ाइन नहीं है, कोई ज़्यादा शार्प एजेस नहीं है, देखने के मामले में काफ़ी सिंपल सा लगता है और आपको थोड़ा बहुत बोरिंग भी लग सकता है। लेकिन अगर आप लुक्स के अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करोगे, आप फिट एंड फिनिश वगैरह के बारे में बात करोगे, आप पैनल गैप्स वगैरह के बारे में बात करोगे, तो पहले तो आप ये वाइजर ही देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से फिट करके दे रखा है। इसमें बिल्कुल आपके नाखून जाने के भी पैनल गैप्स नहीं दे रखे हैं, ऐसा ही कुछ साइड में भी है, आपको कोई भी ज़्यादा पैनल गैप्स दे ही नहीं रखे हैं। काफ़ी अच्छे से सभी पैनल्स को फिट करके दिया जाता है, पैनल्स की फिटिंग काफ़ी अच्छी है। और ये जितने भी पैनल्स हैं, अगर आप फ्रंट पैनल्स की बात करोगे तो फ्रंट में तो सारा का सारा ही प्लास्टिक का ही आपको दे रखा है, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो आपको अच्छी खासी दे रखी है। नीचे जो आपके ये फ्लोर के नीचे के पैनल्स होते हैं ये भी आपके प्लास्टिक के ही हैं, और जो आपके रियर पैनल्स होते हैं ये आपको मेटल के दे रखे हैं। हाँ, जिधर आपकी जुपिटर की बैजिंग है ना, ये आपको मेटल का दिया जाता है। पीछे जो पैनल है ये आपके मेटल के हैं, और जो आपके राइट साइड पैनल्स है ये भी आपको मेटल के ही दे रखे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जो TVS जुपिटर 110 है, इसके लुक शायद आपको इतने ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश और पैनल गैप्स वगैरह के मामले में आपको इस स्कूटर से कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप बात करोगे सीट और स्पेस के बारे में, तो इसकी जो ये सीट है इस पर दो लोग काफ़ी आराम से आ जाते हैं। काफ़ी बड़ी सीट इसमें आपको दे रखी है, काफ़ी वाइड भी है, और लेंथ वगैरह के मामले में भी काफ़ी बड़ी सीट आपको इसमें दे रखी है, और ये आपकी आगे से ही ओपन भी हो जाती है। मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, ऐसे ही ये सीट ओपन हो जाती है। और बूट स्पेस के मामले में भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस दे रखा है, और इसके बूट में आपको एक ये छोटा सा यूटिलिटी बॉक्स भी दे रखा है, जिसमें आप अपना कुछ भी ज़रूरी सामान रख सकते हैं, आपका स्मार्टफोन भी आ सकता है, या फिर आपके स्कूटर के पेपर वगैरह भी सेपरेटली अलग से रखे जा सकते हैं। और आगे भी स्पेस के मामले में आपको एक छोटी सी पॉकेट दे रखी है, जिधर आपका एक USB चार्जिंग भी आपको दे रखी है। और इस स्कूटर पर बैठने के बाद अगर आप लेग रूम वगैरह के बारे में बात करोगे, या फिर आगे फ्लोर के स्पेस के बारे में बात करोगे कि लेग रखने के बाद कैसा स्पेस वगैरह आता है, तो दोस्तों इस मामले में भी आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। काफ़ी आराम से आपके दोनों पैर इस स्कूटर पर आ जाते हैं, और आप अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान भी आगे रख सकते हैं। तो दोस्तों, सीट और स्पेस के मामले में भी आपको इस स्कूटर से कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों, बात करते हैं कन्वेंस के मामले में, कि जैसे कि आपका एक्सटर्नल फ्यूल टैंक इसमें दे रखा है, और पहले क्या हुआ करता था, आपकी जो ये चाबी हुआ करती थी ये आपको निकाल करके इसके इधर साइड पैनल में लगानी पड़ती थी जुपिटर में, पहले वाले मॉडल में, और यहीं से आपकी सीट और आपका ये फ्यूल टैंक ओपन हुआ करता था। लेकिन अब TVS वालों ने ये सारे के सारे फंक्शन आपका जो मेन की स्विच होता है इसी में दे दिए हैं। इसी को आपको क्या है, ऐसे पुश करना है, आपकी सीट ओपन हो गई, और ये जो आपका फ्यूल टैंक है जो कि आपको फिलहाल बंद दिखाई दे रहा है, इसको भी आप अपनी चाबी से ही ओपन करेंगे। मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑफ वाली पोजीशन पे अपनी चाबी को दबा करके रखना है, और चाबी को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है उधर ही आपको ये घुमाना है, और आप ऐसे घुमा दीजिए, और अब आप देख सकते हैं आपका जो फ्यूल टैंक है वो भी ओपन हो गया है। मतलब कि दोस्तों, कन्वेंस के मामले में अब TVS जुपिटर पहले वाले जुपिटर से थोड़ा सा बेहतर हो गया है। बाकी अगर आप कंट्रोल्स और फीचर्स के बारे में बात करोगे, तो जो आपका लेफ्ट हैंडल है उधर आपका लो बीम, हाई बीम हो गया, आपका इंडिकेटर स्विच हो गया, आपका येलो कलर का हॉर्न का बटन हो गया। मैं आपको हॉर्न भी सुनवाता हूँ, अभी रुकिए। तो दोस्तों, इसका जो ये हॉर्न है काफ़ी बेसिक सा साउंड करता है, और जो आपका राइट हैंडल है इधर आपका किल स्विच हो गया, और उसके नीचे आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गया। बाकी अगर आप अपने ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करोगे, तो जो आपका स्पीडोमीटर है, आपका ऑडोमीटर है, या फिर आपका फ्यूल गेज है, ये सभी का सभी कुछ आपको एनालॉग में ही दे रखा है। और एक जो ये इधर आता है ना इको और पावर,
ये क्या है जुपिटर में पहले से ही आपको दिया जाता है। बाकी अगर आप ये जुपिटर का कोई और सा वेरिएंट लेते हैं यानी कि इससे ऊपर का वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले भी दी जाती है। और अब जो इनका ZX वेरिएंट है उसमें तो आपको पूरा का पूरा ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है, जैसा कि इनका एंटोर्क में भी आता है जिसमें आपकी GPS नेविगेशन, वॉइस कमांड और भी फीचर्स आते हैं। आपका स्मार्टफोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और आपको आपका स्मार्टफोन कैसे कनेक्ट करना है वो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है कि आपको स्मार्टफोन कनेक्ट करने के बाद क्या क्या फीचर्स वगैरह आते हैं और कैसे कनेक्ट करना है, वो वीडियो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। और अभी फीचर्स की ही बात हो रही थी तो ये जो USB चार्जिंग के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, तो दोस्तों इधर आपको ये USB चार्जिंग भी दी जाती है जिधर आप अपना डायरेक्टली USB केबल लगा करके और इधर मतलब पॉकेट में फोन रख करके चार्ज भी कर सकते हैं या कोई और डिवाइस भी अपना आप चार्ज कर सकते हैं। और फीचर्स के मामले में इसमें आपको कट ऑफ साइड स्टैंड भी दे रखा है, यानी कि जब आपका स्टैंड लगा होगा और आप स्कूटर का स्विच ऑन करोगे तो दोस्तों एक तो ये आवाज़ करने लगेगा, दूसरा ये स्कूटर स्टार्ट भी नहीं होगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, तो ये स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है और जैसे ही मैं ये स्टैंड हटा देता हूँ ये ऊपर गया, सायरन भी बंद हो गया और अब ये स्कूटर आराम से स्टार्ट भी हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप अब ये व्हील्स, सस्पेंशन और अपने ब्रेक्स वगैरह के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर TVS जुपिटर में और इंडिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्कूटर यानी कि होंडा एक्टिवा में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है और मैं भी आपको वो बताता हूँ। दोस्तों देखो होंडा एक्टिवा में भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं आज के टाइम में, लेकिन अगर आप एलॉय व्हील्स के बारे में बात करोगे या फिर आप डिस्क ब्रेक के बारे में बात करोगे तो वो आपको एक्टिवा में अभी नहीं दिए जाते, लेकिन जुपिटर में आपको 12 इंच के अलॉय व्हील्स दे रखे हैं। और अगर आप टायर सेक्शन की बात करोगे तो TVS जुपिटर के फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको 90x90 सेक्शन के 12 इंच के ही व्हील दे रखे हैं। और आज के टाइम में अगर आप स्कूटर्स के बारे में बात करोगे तो ऐसे बहुत से स्कूटर्स हैं जिनमें आपको फ्रंट में तो 12 इंच का टायर डाल करके दे देते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप ये रियर टायर के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए आप TVS जुपिटर में आपको 90x90 सेक्शन का 12 इंच का टायर डाल करके दे रखा है, जो कि TVS जुपिटर को बाकी स्कूटर से थोड़ा सा बेहतर बना देता है। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो में ये TVS जुपिटर के बारे में अच्छी अच्छी बातें काफ़ी सारी हो गई है। अब ज़रा बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको ये 110 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है जिसकी पावर फिगर्स आपकी डिस्प्ले पर आ गई है, और मैं आपसे बात करता हूँ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इनिशियल पिकअप की बारे में बात करोगे कि स्कूटर कैसा उठता है, तो दोस्तों उस मामले में शायद ये स्कूटर आपको इतना ज़्यादा क्विक ना लगे और आपको इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा पसंद ना आए, और इनिशियल एक्सेलेरेशन के मामले में इससे बेहतर स्कूटर भी आपके पास अवेलेबल है अगर आप 110 सीसी की ही बात करोगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करोगे तो आपको कोई ज़्यादा नॉइज ये स्कूटर से आएगी नहीं, वाइब्रेशंस वगैरह भी आपको परेशान नहीं करने वाली है। इस मामले में अगर आप रिफाइनमेंट के बारे में बात करोगे तो रिफाइंड तो आपको ये इंजन ठीक ठाक लगेगा, बस वही है कि परफॉर्मेंस के मामले में इनिशियल पिकअप या पिकअप के मामले में ये स्कूटर आपको इतना ज़्यादा क्विक नहीं लगेगा। बाकी अगर आप टॉप स्पीड की भी बात करोगे तो 80-85 तक ये स्कूटर भी चला जाता है, और परफॉर्मेंस के मामले में वही है कि अगर आप नॉर्मल राइडिंग के हिसाब से देखोगे, आप अपनी सिटी राइडिंग के हिसाब से देखोगे और आप आराम से चलाने वाले हैं तो फिर ये स्कूटर आपको सही लगेगा, आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा एग्रेसिवली चलाओगे, आप इसको बिल्कुल एकदम से उठाना चाहोगे, तो फिर शायद आपको इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना लगे। बाकी दोस्तों अगर आप हैंडलिंग स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे तो उस मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। सस्पेंशन के मामले में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बेस्ट इन सेगमेंट सस्पेंशन आपको इसमें दे रखे हैं, बेस्ट इन सेगमेंट टायर्स और व्हील्स आपको इसमें दे रखे हैं, और जो स्पेस है या फिर इसकी जो सीट का कम्फर्ट है या इसकी जो फीचर्स है, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, उन सब के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर ही चुका हूँ और उस मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। तो वही है अगर आप ना खरीदने के रीजंस के बारे में बात करोगे तो एक तो आपका लुक हो सकता है कि आपको शायद इसका लुक इतना ज़्यादा पसंद ना आए, दूसरा इंजन का जो पिकअप है वो आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करोगे उस मामले में ये स्कूटर आपको और स्कूटर से बेहतर ही लगेगा। और मेरे हिसाब से नेगेटिव्स तो इस स्कूटर में कम है, पॉजिटिव कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं अगर आप सेगमेंट के और स्कूटर्स को देखोगे, जैसे कि अगर आप एक्टिवा को ही देखोगे जिसमें आपको अभी तक डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील नहीं दिए गए हैं, जबकि वो स्कूटर इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। तो दोस्तों अगर आप उसके कंपैरिजन में इस स्कूटर को देखते हैं तो फिर तो ये स्कूटर उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और अगर मुझे पर्सनली भी आज के टाइम में 110 सीसी का स्कूटर खरीदना हो तो मैं ये TVS जुपिटर को ही खरीदना पसंद करूँगा और मैं TVS जुपिटर को ही सजेस्ट करना पसंद करूँगा। तो दोस्तों अब तक TVS जुपिटर के बारे में सारी ही बातें कर ली है कि इसमें आपको क्या दे रखा है और आपको खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए और मैं क्यों आपको ये स्कूटर रिकमेंड करता हूँ,
और अब बात आती है कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि चलो TVS Jupiter 110 को खरीदने का तो मन बना लिया है, अब इसका कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा और कौन सा वेरिएंट आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं। पहला जो वेरिएंट आता है वो आपके कास्ट व्हील के साथ आता है, और जो दूसरा आपका वेरिएंट आता है वो आपका एलॉय व्हील के साथ आता है, और जो तीसरा वेरिएंट है उसमें आपके एलॉय व्हील के साथ डिस्क ब्रेक भी आ जाते हैं। फिर इसमें आपको आज के टाइम में ब्लूटूथ जैसे फीचर्स भी मिल रहे हैं, जो कि आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं कि कैसे कनेक्ट होता है, क्या फीचर्स वगैरह आते हैं, और भी कुछ इनके ZX में कुछ अलग अलग कलर्स भी आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट है वो यही वाला है। ये क्या है, इनके दूसरे नंबर वाला स्कूटर है और इसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब 70,000 रुपये के आसपास है। इसमें क्या है, आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और आपको डिस्क ब्रेक वगैरह देने रखे हैं, और 110 सीसी का स्कूटर है। अगर आप आराम से ही चलाने वाले तो फिर ये भी आपके लिए ओके रहेगा, इससे भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। तो मेरे हिसाब से इसका जो ये दूसरे वाला जो वेरिएंट है जिसमें आपको एलॉय व्हील्स और आपको ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं, यही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और अगर आप कलर ऑप्शंस की बात करोगे तो कलर ऑप्शंस के मामले में इसमें वाइट, सिल्वर, ग्रे और ब्लैक, आपका ब्राउन, काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये TVS Jupiter के वेरिएंट्स, प्राइस, कलर ऑप्शंस के बारे में और भी डिटेल में जानना है, या फिर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर आप TVS की कोई और मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं और आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से हैं, तो फिर आप राघव TVS पर विजिट करिए। राघव TVS का जो फ़ोन नंबर है और जो आपका एड्रेस है वो आपके डिस्प्ले पर भी आ रहा है, और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कोई सवाल है, तो वो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिल गई है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो फिर मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, जिनको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि आपको 110 सीसी में कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी ऑल पर करेंगे, जो आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।